वेलकम बैक एंड बैक द वेलकम। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल हॉन्टिंग नाइट पे। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले इतना बता दूं, वीडियो इन तक जरूर देखना, कॉज मूवी से मिलने वाला लेसन बहुत मीनिंगफुल है। तो बिना वक्त को जाया किए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। मूवी के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि एक नेकेड लड़की घर के एक साइड पे बैठी हुई है और वो रो रही है, और उसके सामने एक रेड कलर की साड़ी बिखरी पड़ी है। वहाँ पर एक लड़का पहले से मौजूद था और फिर और एक लड़का रूम में एंटर करता है। फिर वो दोनों आपस में कुछ डिस्कशन करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि वो लड़की एक जर्नलिस्ट है जिसने मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई आर्टिकल छापा है, जिसके लिए उस मिनिस्टर ने उसे किडनैप करवाया है। उनमें से एक लड़का उस जर्नलिस्ट से कुछ पूछताछ करता है और दूसरे बंदे के फोन पर बार बार मिनिस्टर का कॉल आ रहा होता है, लेकिन वो बंदा उसका कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है और कंटिन्यू उस जर्नलिस्ट से किसी वीडियोस के बारे में पूछता रहता है, जो कि मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई एविडेंस था, लेकिन वो लड़की उसे देना नहीं चाहती। देन उनमें से एक लड़का उस लड़की को इलेक्ट्रिक शॉट देकर मार देता है। तभी वापस मिनिस्टर का कॉल आता है। तभी हमें ये बात पता चलती है कि वो दोनों कोई गुंडे नहीं बल्कि पुलिस वाले थे, और साथ ही साथ ये भी पता चलता है कि इन दोनों ने जिस लड़की को किडनैप किया था वो लड़की एक कॉमन लड़की है, ना कि कोई जर्नलिस्ट जो कि रेड साड़ी पहनी थी। और मिनिस्टर के इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो जर्नलिस्ट लाल साड़ी पहनी हुई थी, जिसको किडनैप करने के लिए मिनिस्टर ने कहा था, लेकिन इन लोगों से गलत लड़की का किडनैप हो गया था। नेक्स्ट डे किसी शॉप पर एक रेडियो चल रहा होता है, जहां ये न्यूज चल रही थी कि आज 10 दिसंबर है, मतलब ह्यूमन राइट्स डे है। और वही शॉप की वॉल पर एक लड़का एक लड़की की पिक्चर चिपका रहा था, जिसमें लिखा था उस लड़की का नाम अरुणा है और वो गुमशुदा है, जिसने लास्ट टाइम रेड कलर की साड़ी पहनी हुई थी, और ये लड़की बोल नहीं सकती, मतलब वो गूंगी है। और देन हमें ये पता चलता है कि एक मासूम लड़की बेवजह मारी जाती है, और ये कुछ स्पेशल बात नहीं है। इस डार्क सिस्टम के नीचे ना जाने कितने मासूम लोगों की बलि चढ़ चुकी है, जिसने भी अपने राइट्स के बारे में या कोई भी ट्रुथ के बारे में कुछ भी क्वेश्चन किया उसे ऐसे ही दबा दिया जाता है। ऐसे ह्यूमन राइट्स का क्या मतलब है? और फर्स्टली उस लड़की को हैट्स ऑफ जिसने इस कैरेक्टर का रोल प्ले किया है, सोनाक्षी वर्मा। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।